इतनी बड़ी जो लिस्ट पहले आई थी उसके मुताबिक चार कैबिनेट मंत्री जिनमें पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह भी शामिल है गया है, आपका नाम भी साबित। ये जो टिकट्स हैं ऐसे ही चलेंगे, टिकट्स कटेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी का भी टिकट नहीं काटा जाता। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह, सब कार्यकर्ता एक फैमिली की तरह मिलकर काम करते हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। हमारे परिवार में नए पुराने छोटे बड़े सब एक समान होते हैं। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, इस मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा काम करते हैं। किसे टिकट मिली किसे नहीं मिली ये अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, अधिक महत्वपूर्ण है हम सब मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं। और पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से, पूरा हमारा संगठन कार्यकर्ता हमेशा मिलकर चुनाव लड़ते हैं। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, इस जज्बे के साथ बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता काम करता है। एक परिवार की तरह भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर राष्ट्र सेवा के संकल्प को पूरा करते हैं। और इसी प्रकार जो चुनावी अभियान होते हैं, उम्मीदवार तो हर एक विधानसभा से एक एक उम्मीदवार होगा, लेकिन हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर चुनाव को विजयी बनाने का काम सब मिलकर करते हैं। हमारी पार्टी एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह काम करती है। यहाँ टिकट किसे मिली किसे नहीं मिली ये कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं होता है। हमारे लिए हमारी पार्टी की जीत, हमारे मिशन की जीत, देश और समाज की जीत हो, वो हमारा बड़ा मिशन और संकल्प होता है। लेकिन पहले 44 लोगों की, 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर उसे वापस लिया गया, क्या पीछे वजह थी? चलिए, लगातार बहुत अनेक प्रकार की चर्चाएं और विषय संगठन के अंदर रहते हैं। चूंकि 27 अगस्त को पहले फेज के नामांकन भरने की अंतिम तिथि है, इसीलिए जो फर्स्ट फेज में चुनाव होने वाला है वहां के उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी ने सबसे पहले की है। दूसरे चरण की सूची भी पार्टी बहुत जल्द उसकी घोषणा करेगी।